दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है टोनी चिड़िया और आप देख रहे हैं जंगल बुक 3D। आज हम जो एपिसोड देखेंगे वो है जादुई दरख्त और टोनी चिड़िया उस दरख्त से फल तोड़ने के लिए जाती है और वो दरख्त होता है कालू कौवे का। तो चलिए देखते है आगे आगे होता है क्या। पूरे जंगल में एक ही दरख्त था जिसके ऊपर मीठे फल लगे हुए थे। चिड़िया अपनी पत्नी के लिए अपने घर से काफी लंबा सफर करके उस पेड़ के पास चली जाती और अक्सर वहां से फल तोड़ कर लाती। उस फल का कोई खास मालिक तो था नहीं और जो मालिक था वो भी वहां से काफी दूर रहता था। लेकिन एक दिन जब चिड़िया वहां पर फल लाने के लिए उस दरख्त के पास जाती है तो उसका मालिक कालू कौवा भी उसी दरख्त के पास होता है। कालू कौवा चिड़िया को फल देने के लिए तैयार नहीं होता और ये दरख्त एक जादुई दरख्त था। अक्सर चिड़िया यहाँ पर आ जाती तो वहाँ से खुद ही फल टूट कर चिड़िया के सामने आ जाते। कौवा चाहता था कि वो अब इस जादुई दरख्त के फलों को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाए, लेकिन चिड़िया यहाँ से काफी पहले से ही मुफ्त में फल ले जाती। कौवा अब चिड़िया को और फल मुफ्त में देने के लिए तैयार नहीं था। कौवे, मैं कितने सालों से अपनी पत्नी के लिए इस दरख्त से मीठे फल तोड़ कर ले जाती हूँ, आज तक मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब से तुम आए हो तुम कह रहे हो ये दरख्त मेरे है। हाँ मुझे पता है और मैंने पता किया है कि ये दरख्त तुम्हारे है, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ से फल ले जाने नहीं दोगे तो तुम ही बताओ आखिर मैं कहाँ जाऊँगी। इस जंगल में ये एक ही मीठा दरख्त है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ चिड़िया, अब मुझे इससे क्या लेना देना, मैं तो अब अपने इस दरख्त के मीठे फलों का कारोबार करूँगा। जब भी मेरा दिल करेगा यहाँ से मैं दरख्त बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा और अपने घर का खर्चा चलाऊंगा। तुमने इतने सालों से यहाँ से मुफ्त फल तोड़े हैं, यही बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें और मुफ्त में फल यहाँ से नहीं दे सकता। कौवा चिड़िया को फल देने के लिए बिल्कुल ही राजी नहीं था। कौवे, अब इस तरह तुम मना तो ना करो, अगर तुम मना करोगे तो हम कहाँ जाएंगे। मैंने कहा ना इस दरख्त में सिर्फ एक ही है, पूरे जंगल में सिर्फ ये एक ही दरख्त है जहाँ से हम फल तोड़ते हैं। अगर अब तुम हमें यहाँ पर भी फल तोड़ने ना दोगे तो फिर मैं अपनी पत्नी के लिए फल कहाँ से तोड़ूंगी। तुम्हारा एहसान होगा अगर तुम मुझे यहाँ से 2-3 फल तोड़ने दोगे तो। वो सुबह से भूखी बैठी हुई है। अरे वाह भाई वाह, मैंने क्या तुम्हारा ठेका थोड़ा लिया हुआ है या तुम्हारी बीवी का। तुम्हें जो करना है करो, जाके कहीं और से फल तोड़ कर लाओ, मुझे इसमें क्या। और हाँ, मैं तुम्हें अपने दरख्त से फल क्यों दूंगा, मैं तो अब इन दरख्तों को इस दरख्त के फलों को बेचकर अच्छा खासा कारोबार करूंगा। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मुफ्त में फल दूं, अब ये नहीं हो सकता। तुमने आज से पहले जितने भी फल तोड़े है सब तोड़े, अब मैं तुम्हें मुफ्त में एक भी फल और नहीं दूंगा। कौवे, अब ऐसा तो ना करो, अगर इस तरह तुम हमें यहाँ से फल नहीं दोगे तो अब मैं कहाँ जाऊंगी। मैं तुमसे इतनी सारी मिन्नतें कर रही हूँ और फिर भी तुम मुझे एक भी फल देने के लिए राजी नहीं। तुम्हें तो पता है ये जादुई फल है, यहाँ से इस तरफ से जितने भी फल तोड़ो वो खत्म नहीं होते और अगले दिन और भी फल बन के तैयार हो जाते हैं। तो तुम मुझे अगर फल दोगे तो भी मुझे पूरा उम्मीद है तुम्हारे फल कम नहीं होंगे बिल्कुल भी। अरे यार, अगर तुम्हें फल चाहिए तो मुझसे खरीद कर ले जाओ। हाँ वैसे भी तुम्हें अब फलों का कारोबार करने वाला हूँ और यहाँ जो भी फल खरीदेंगे मैं उनको ही फल दूंगा मुफ्त में। तुम्हें आज के बाद किसी को भी फल देने के लिए तैयार नहीं और तुम्हें भी मैं आज के बाद मुफ्त में फल नहीं दूंगा। जो मैंने एक बार बोल दिया सो बोल दिया, बस अब तुम यहाँ से चली जाओ और मेरा दिमाग खराब ना करो, मुझे काम है अभी बहुत सारा। कौवा काफी ज्यादा लालची था, वो मुफ्त में चिड़िया को कुछ भी नहीं देना चाहता था और कौवा तो अब इस दरख्त के सारे फल बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाना चाहता था। कौवा को इस बात का भी इल्म था कि इस दरख्त से जितने भी फल तोड़ो अगले दिन उससे ज्यादा इस दरख्त के ऊपर फल निकल आते हैं
चिड़िया को भी इस बात का इल्म था, लेकिन चिड़िया जैसे ही कौवे को ये बात बोलती है तो कौवा फिर भी राजी नहीं होता कि चिड़िया को वो एक भी फल मुफ्त में दे। कौवा चिड़िया से कहता है, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम इन फलों को यहाँ से तोड़कर ले जा सकती हो, लेकिन अपने अब यहाँ पर एक भी फल किसी को मुफ्त में नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हें मुफ्त में फल दूंगा तो दूसरी चिड़ियाएं भी यहाँ पर आकर मुफ्त में फल मांगेंगी मुझसे। चिड़िया की बीवी सुबह से भूखी बैठी हुई थी कि ये वाली चिड़िया उसके लिए फल तोड़ कर लाएगी, लेकिन उसको तो इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था कि अब यहाँ पर कौवा आ चुका है जो किसी को भी मुफ्त में फल नहीं देने वाला। कौवे अपने यहाँ से तो खाली हाथ घर जाने वाली नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी भूखी बैठी हुई है। अब तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे यहाँ से एक फल चलो तोड़ कर दे दो। कम से कम आज के लिए तो उसका पेट बढ़ ही जाएगा। कल मैं कुछ और रास्ता निकाल लूंगी, कहीं और से मैं खाने का बंदोबस्त कर लूंगी। आज मुझे यहाँ से एक फल तोड़ कर दे दो। एक बार जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया, अब तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें फल देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये जादुई पेट मेरा है कहीं सालों से और बहुत ही पहले से। मैंने अच्छी खासी कीमत देकर इसको खरीदा है और मैं यहाँ पर तरस खाकर किसी को भी मुफ्त में फल देने के लिए नहीं बैठा हूँ। अब तो मैं इनका अच्छा खासा कारोबार करूँगा और पैसे कमाऊँगा। बस अब तुम यहाँ से चली जाओ, अपना वक्त जाया ना करो। चलो ठीक है कवे, दरख्त तुम्हारा है। अगर तुम मुझे यहाँ से फल नहीं देना चाहते तो तुम्हारी मर्जी। अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती। मैंने तुमसे जितनी फरियादें करनी थी सब कर ली, लेकिन तुम तो अब मानने को तैयार नहीं। अपने दरख्त से फल बेचकर पैसे कमाओ। तुम्हारा दरख्त है ना, अपनी मर्जी चलाओ, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। अच्छा बस अब मैं यहाँ से चलती हूँ और देखते हैं कि तुम कितना मुनाफा कमाते हो यहाँ से। ठीक है जाओ, और मुझे कहकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा दरख्त है, मैं जो भी करूँ, तुम्हारी कोई नसीहत की मुझे ज़रूरत नहीं। जाओ यहाँ से, मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ, पैसे कमाऊँ या किसी को मुफ्त में दूँ, लेकिन तुम्हें मैं आज के बाद फल नहीं दूँगा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया उदास वहाँ से चली जाती है। कौवा तो वैसे भी अब किसी को मुफ्त में फल देने के लिए राजी बिल्कुल ही नहीं था। ये जो कर रहे हो ना तुम कौवे, ये बहुत गलत है, और उम्मीद है कि तुम्हें बहुत जल्दी समझ भी आएगा कि ये काम तुम कितना गलत कर रहे हो, जादुई दरख्त के फल बेचकर। और देखो यहाँ पर एक भी फल नहीं निकलेंगे, और तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा, लेकिन तब तक शायद बहुत ही देर हो चुकी होगी। मैं जा रही हूँ, रखो अपने पास अपने सारे फल। हाँ हाँ जाओ जाओ, और मुझे कहकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब निकलो यहाँ से, कब से मेरा दिमाग खाए जा रही हो और तुम्हारी बातें मैं मुफ्त में ही सुन रहा हूँ। आज तक मुफ्त में तो मैंने कुछ भी नहीं किया और तुम्हारी बातें सुननी पड़ रही है। पैसे की बात करो, पैसे की अगर है तो बोलो, अगर पैसे नहीं है तो दिमाग मत खाओ, अब निकलो यहाँ से जल्दी जल्दी। फिर चिड़िया वहाँ से उदास चली जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वाला एपिसोड बहुत ही पसंद आया होगा। तो स्टोरी का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हम बहुत ही जल्दी स्टोरी का पार्ट 2 लेकर आएंगे, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम अपने चैनल पर अक्सर लाते ही रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी स्टोरी के पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।